एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस वर्सेस होम फर्स्ट फाइनेंस। होम फाइनेंस के बेहतरीन स्टॉक, हाई ग्रोथ बिजनेस करने वाली कंपनी। तो फ्रेंड, आज अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक बेहतर रहेगा खरीदने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो फ्रेंड, यहां पर आपके सामने डाटाज है दोनों कंपनी का। सबसे पहले इनकी मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, मार्केट कैप की बात करें तो होम फर्स्ट फाइनेंस की मार्केट कैप 5,046 करोड़ रुपए है। ये 10 सितंबर का डाटा है, सॉरी यहाँ पर डेट गलत है। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की मार्केट कैप 18,188 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड, यहाँ पर मार्केट वैल्यू के हिसाब से एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस होम फर्स्ट फाइनेंस से 3 गुना बड़ी कंपनी है, जबकि इनके एसेट्स लगभग बराबर है। दोनों कंपनी लगभग सेम एसेट्स मेंटेन करती है। होम फर्स्ट फाइनेंस के एसेट्स आज की डेट में 4,510 करोड़ और वहीं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के एसेट्स 4,520 करोड़ रुपए, कुल 10 करोड़ रुपए ज़्यादा है होम फर्स्ट फाइनेंस से, जबकि कंपनी की वैल्यू 3 गुने से भी ज़्यादा है। तो फ्रेंड, ये भी जानेंगे कि ऐसा क्यों है। तो अब इनके स्टॉक की वैल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो वैल्यूशन के स्तर पर सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग रेशो होम फर्स्ट फाइनेंस का 52.2 और एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का 68। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो के लेवल पर एप्टस हाउसिंग ज़्यादा महंगा दिखता है होम फर्स्ट फाइनेंस के मुकाबले। और यदि प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो होम फर्स्ट फाइनेंस का स्टॉक इसकी बुक वैल्यू से 3.65 टाइम्स ज़्यादा ऊपर ट्रेड करता है, और एप्टस वैल्यू का स्टॉक इसकी बुक वैल्यू से 9.19 टाइम्स ऊपर ट्रेड करता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की जो वैल्यूशन 3 गुना है यहाँ पर होम फर्स्ट फाइनेंस के मुकाबले, वो इसकी बुक वैल्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड करने की वजह से है। तो यहाँ पर बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस होम फर्स्ट फाइनेंस से काफ़ी महंगा स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा महंगा स्टॉक दिखता है। आप इसके कारण जान लेते हैं कि ऐसा क्यों है। तो अब रिज़र्व की बात करते हैं फ्रेंड। तो यदि होम फर्स्ट फाइनेंस के पास जो अपना रिज़र्व है, जो अपनी कमाई है, वो 1,363 करोड़ रुपए हैं, वहीं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के पास ये 1,884 करोड़ रुपए हैं। और यहाँ पर जो कंपनी बोरोइंग लेती है और उससे बिजनेस करती है, तो वो देख लेते हैं। यदि बोरोइंग की बात करते हैं तो होम फर्स्ट फाइनेंस के पास 3,054 करोड़ रुपये की बोरोइंग है, वहीं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के पास कुल 2,515 करोड़ रुपए की बोरोइंग है। तो फ्रेंड, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के पास अपने रिजर्व ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है होम फर्स्ट फाइनेंस से, जबकि इनकी बोरोइंग होम फर्स्ट फाइनेंस से काफ़ी कम है। मीन्स यहाँ पर जो बिजनेस करती है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, उसमें कंपनी की अपनी इनकम का कंपोनेंट ज़्यादा है। जो यहाँ पर ये फाइनेंस करती है, जो उधार देती है, उसमें अपना पैसा ज़्यादा है। मीन्स इनकी बैलेंस शीट यहाँ पर होम फर्स्ट फाइनेंस से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है। यही वजह है कि मार्केट एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इनके जो बोरोइंग है वो इनकी रिजर्व से कितना गुना ज़्यादा है, वो रेशो है। तो यहाँ पर जो इसकी बोरोइंग है, इसके रिजर्व से यहाँ पर 2.24 टाइम्स ज़्यादा है, जबकि एप्टस वैल्यू में ये 1.334 टाइम्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि बोरोइंग रिजर्व के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है होम फर्स्ट फाइनेंस में, और एप्टस वैल्यू में वो काफ़ी कम है। तो अब इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट कैसे ग्रो किए हैं पिछले 5 साल में, वो देख लेते हैं। फिर अपनी वीडियो में जानेंगे कि यहाँ पर जो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो किए हैं वो CAGR उनका कितना है, किस CAGR पर ग्रो किए हैं। तो फ्रेंड, 2017 में यहाँ पर रेवेन्यू कुल 94 करोड़ रुपये था होम फर्स्ट फाइनेंस का, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट 9 करोड़ रुपये। और वहीं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इनका बिजनेस काफ़ी बड़ा था उस टाइम पर, ये 126 करोड़ रुपये का ये रेवेन्यू क्लॉक करते थे, जबकि प्रॉफिट 37 करोड़ रुपीज़ का। और 2018 में होम फर्स्ट फाइनेंस का रेवेन्यू 145 करोड़ तक बढ़ा और प्रॉफिट 25 करोड़ तक बढ़े। तो यदि यहाँ प्रॉफिट की बात करें 9 करोड़ से 25 करोड़ ये लगभग 2.5 से 3 गुने के बीच में आते हैं। तो यहाँ पर जो इसका इंक्रीज़ किया है प्रॉफिट, वो काफ़ी मैसिव किया है होम फर्स्ट फाइनेंस का, क्योंकि यहाँ पर इसका बेस इफेक्ट काफ़ी छोटा था। ये यहाँ पर काफ़ी छोटा प्रॉफिट होने की वजह से यहाँ पर ये काफ़ी जंप आया है इसके प्रॉफिट में। तो वहाँ पर इसकी एप्टस वैल्यू का
बात करें तो रेवेन्यू 201 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 67 करोड़ रुपीज़। तो 2019 का डाटा देख लेते हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस ने रेवेन्यू क्लोक किया था 264 करोड़ रुपए का और प्रॉफिट 46 करोड़ रुपए के। वहीं एप्टस वैल्यू ने यहाँ पर रेवेन्यू क्लोक किए थे 325 करोड़ रुपए के और प्रॉफिट 112 करोड़ रुपए के, जो कि यहाँ पर होम फाइनेंस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थे 2019 में। वहीं 2020 की बात करते हैं तो होम फर्स्ट फाइनेंस ने रेवेन्यू क्लोक किया 411 करोड़ रुपए का और प्रॉफिट क्लोक किया 80 करोड़ रुपए का। और एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का रेवेन्यू रहा 500 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 211 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड फाइनली 2021 का देख लेते हैं। तो 2021 में फाइनली होम फर्स्ट फाइनेंस का रेवेन्यू रहा था 489 करोड़ रुपए और प्रॉफिट रहे थे 100 करोड़ रुपीज़। तो फ्रेंड यहाँ पर जो 100 करोड़ रुपीज़ इसके प्रॉफिट थे वो इसकी रेवेन्यू के 20% थे, जो ब्लू कलर में लिखा है। तो जो प्रॉफिट था वो रेवेन्यू का लगभग 20% बैठता है होम फर्स्ट फाइनेंस के केस में। और एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के केस में यहाँ पर रेवेन्यू क्लोक किया था 637 करोड़ रुपए और प्रॉफिट क्लोक किए थे इस कंपनी ने 267 करोड़ रुपए। और ये 267 करोड़ रुपए जो इसका प्रॉफिट है वो इसके रेवेन्यू का 43% बैठता है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो इनके रेवेन्यू का काफ़ी ज़्यादा ऊपर है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का। मीन्स यहाँ पर इनके मार्जिन है वो होम फर्स्ट फाइनेंस से बेहतरीन है। और मार्जिन होने का कारण क्या है? बेहतरीन इनके पास अपना पैसा ज़्यादा है फ्रेंड्स, जबकि होम फर्स्ट फाइनेंस जो ज़्यादा बिजनेस करता है वो बोरोइंग लेके करता है और एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस उसके मुकाबले कम बोरोइंग लेकर बिजनेस करता है। तो मार्जिन ज़्यादा शानदार है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के, इसलिए यहाँ पर इसका जो मार्जिन है 43% से ज़्यादा दिखता है यदि इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू के रेशो पर देखते हैं। फ्रेंड्स अब इसकी यहाँ पर जो ग्रोथ है उसकी बात कर लेते हैं कि ग्रोथ कैसी रही है। तो रेवेन्यू की जो ग्रोथ है होम फर्स्ट फाइनेंस की वो 51% के CAGR से ग्रो किया है पिछले 4 साल में फ्रेंड। और वहीं इसके प्रॉफिट की बात करें तो ये काफ़ी शानदार रहे हैं, 83% से ज़्यादा ग्रो किए हैं। और एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के रेवेन्यू की बात करें तो लगभग सेम रेशो में यहाँ पर इंक्रीज़ किए हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के रेवेन्यू होम फर्स्ट फाइनेंस के बराबर लगभग 50%। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो ये प्रॉफिट कुछ कम रहे हैं यहाँ पर 65% तक होम फर्स्ट फाइनेंस के मुकाबले। होम फर्स्ट फाइनेंस के प्रॉफिट यहाँ पर मैसिव ग्रो इसलिए किए थे क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में इनके प्रॉफिट काफ़ी कम थे, छोटा बिजनेस था, काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है, जबकि एप्टस वैल्यू का बिजनेस यहाँ पर काफ़ी बड़ा था होम फर्स्ट के मुकाबले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि ग्रोथ दोनों बिजनेस में काफ़ी शानदार है, बल्कि होम फर्स्ट फाइनेंस के बिजनेस की ग्रोथ एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस की ग्रोथ के मुकाबले काफ़ी शानदार रही है पिछले 4 साल में। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर जो इनकी बैलेंस शीट की बात करें, यहाँ पर जो इनके रिजर्व और बोरोइंग की बात करें, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के पास स्कोप ज़्यादा है होम फर्स्ट फाइनेंस से अपने बिजनेस को तेज़ी से एक्सपेंड करने का फ्रेंड्स। तो और वैल्यूशन की बात करें तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक की वैल्यूशन काफ़ी महंगा दिखता है होम फर्स्ट फाइनेंस के मुकाबले। होम फर्स्ट फाइनेंस का स्टॉक प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो पर तो लगभग 2.5 गुना सस्ता है एप्टस वैल्यू के मुकाबले 3.65। तो फ्रेंड ये आप ही डिसाइड करें कि कौन सा स्टॉक आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप यहाँ पर वैल्यूएशन देखते हैं तो होम फर्स्ट फाइनेंस ज़्यादा अच्छा दिखता है, और यदि आप यहाँ पर बिजनेस की स्ट्रेंथ देखते हैं तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस ज़्यादा बेहतर दिखता है। और यदि यहाँ बिजनेस की ग्रोथ की बात करते हैं तो दोनों ही स्टॉक इस स्तर पर बेहतरीन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन स्टॉक में यदि आपने कोई पोजीशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। बाकी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।